जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 10 मई तक मालदीव में मौजूद इंडियन मिलिट्री पर्सनल का होगा रिप्लेसमेंट। अडानी द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर किए गए हर्मिस 900 यूएवीज इजराइल को हो रहे हैं एक्सपोर्ट। वायु शक्ति एक्सरसाइज के बारे में पाकिस्तान को भी कर दिया गया है सूचित। इंडियन नेवी के एक्शंस को देखकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने माना कि इंडियन नेवी है चाइनीज नेवी से ज्यादा सुपीरियर। और इंडियन एयरफोर्स के इंटरनल सिस्टम्स पर साइबर अटैक का प्रयास। अगर आप हमारे डिफेंस अपडेट्स को डेली बेसिस पर देखते हैं तो आपको इस बारे में जानकारी अवश्य होगी कि कल 2 फरवरी को नई दिल्ली में भारत और मालदीव्स के बीच हाई लेवल कोर ग्रुप की दूसरी मीटिंग कंडक्ट की गई थी। और इस मीटिंग को लेकर जो भारतीय विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट सामने आई थी तो उसमें यह बताया गया था कि मालदीव्स में जो भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहां पे उनके ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए दोनों पक्ष वर्केबल सॉल्यूशन पर सहमत हुए हैं। लेकिन कल जब हमने अपडेट कवर किया था तो उस समय तक मालदीव के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी। लेकिन अब मालदीव के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कल की इस मीटिंग को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गई है और जिसमें यह बताया गया कि इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट पार्टनरशिप, तो इन क्षेत्रों में अपने बीच की साझेदारी को और बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय सहयोगों की समीक्षा की है। और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत सरकार 10 मार्च 2024 तक मालदीव में मौजूद 3 एविएशन प्लेटफॉर्म में से एक में अपने मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस करेगी और जबकि बाकी 2 एविएशन प्लेटफॉर्म से भी 10 मई 2024 तक मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया कि इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि भारत और मालदीव की हाई लेवल कोर ग्रुप की जो तीसरी मीटिंग होगी तो वो दोनों देशों की आपसी सहमति वाली डेट के अनुसार मालदीव में आयोजित की जाएगी। बाकी मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस करने वाली जो ये बात है ये भारतीय विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की गई थी। बाकी मालदीव के स्टेटमेंट में ये लिखा जाना कि मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस करने पर सहमति बनी है तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि जैसे कि कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो भारत है वो मालदीव में मौजूद अपने मिलिट्री पर्सनल को सिविलियन से रिप्लेस करने वाले ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो इसलिए संभावना अब ज़्यादा दिख रही है कि मालदीव्स में जो मिलिट्री पर्सनल हैं तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर सिविलियन ऑपरेटर्स को वहाँ पर तैनात किया जाएगा। बाकी मालदीव में जो इंडियन मिलिट्री के पर्सनल तैनात हैं तो वे मालदीव के लोगों को ही ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अब उनको जो रिप्लेस करने की बात की जा रही है और उनके रिप्लेसमेंट के बदले सिविलियंस को तैनात किया जाएगा तो यहाँ पे जब सिविलियंस की बात हो रही है तो इन सिविलियंस में ही मुख्य रूप से वही पर्सनल आएंगे जो कि मालदीव में मौजूद भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने में पूरी तरह से सक्षम हो और उनके ऑपरेशन से अच्छी तरह से परिचित हो और जिनमें एक्स मिलिट्री पर्सनल हो सकते हैं। और वैसे भी भारत ने मालदीव्स में कभी भी ग्राउंड पर अपने ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं किए, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मालदीव की नई सरकार खास करके राष्ट्रपति मुइज़ू पर चीन का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही है तो इसलिए प्रयास तो उनका यही था कि मालदीव से इंडियन मिलिट्री के पर्सनल को पूरी तरह से हटा के वहाँ पे चाइनीज मिलिट्री पर्सनल को किसी तरह से तैनात किया जाए। लेकिन अभी हाल ही में जब मालदीव्स की मेन अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से मालदीव प्रेसिडेंट की इन सब हरकतों के चलते एक कड़ा विरोध देखने को मिला तो शायद एक ये संभावना हो सकती है जिसके चलते मालदीव की सरकार को मजबूर होना पड़ा इंडियन मिलिट्री पर्सनल के रिप्लेसमेंट के लिए, ना कि उनके रिमूवल के लिए। और जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट है मुइज़ू तो उन्होंने तो अपनी शपथ ग्रहण के बाद से ही भारत द्वारा वहाँ पे जो एविएशन प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट होते हैं उनके ऑपरेशन को बंद कर दिया था और जिसकी वजह से मालदीव में मेडिकल इवैक्यूएशन की सर्विस बुरी तरह से प्रभावित हुई थी और इलाज के अभाव में मालदीव में हाल ही में एक बच्चे की मृत्यु भी हुई है। जिसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति पर भारत के हेलीकॉप्टर, वहाँ के एयरक्राफ्ट, ऑफशोर पेट्रोलिंग शिप, इन सब के ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए दबाव बढ़ाया गया। शेफर्डमीडिया.com की रिपोर्ट के मुताबिक एल्बिट सिस्टम और अडानी की जॉइंट वेंचर अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में स्थित है और ये भारत की पहली ऐसी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो भारत में स्थित अडानी और एल्बिट सिस्टम के इस जॉइंट वेंचर में बना हर्मिस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी तो इसकी 20 से अधिक यूनिट इसराइल को भी डिलीवर की गई है। और शेफर्ड मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मैन्युफैक्चर हुए ये हर्मिस 900 यूएवीज तो अडानी की फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर हुए कार्बन कंपोजिट एरो स्ट्रक्चर्स के साथ कम्प्लीटली डिलीवर किए गए और जो यूएवीज हैं इन्हें भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और ये तो आप जानते होंगे कि इसी हर्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन का इंडियन वर्जन, जिसका नाम रखा गया है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, तो इसकी 2 यूनिट्स इंडियन नेवी को डिलीवर की गई हैं और जबकि 2 यूनिट्स इंडियन आर्मी को भी डिलीवर की जाएगी। और इंडियन नेवी ने अपना पहला दृष्टि 10 यूएवी 11 जनवरी को रिसीव किया था। बाकी अगर यूएवीज की बात हो ही रही है तो एक अपडेट है भारत और अमेरिका के 31 MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की डील से जुड़ा हुआ और जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पहले द वायर जैसे मीडिया पोर्टल की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ जारी की गई कि अमेरिका ने पन्नू वाले मामले के चलते इस डील को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर उसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली कन्फर्म हो गया कि ये डील ऑन ट्रैक है
स्टेट डिपार्टमेंट ने इस सेल के बारे में यूएस कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया है और अब यूएस कांग्रेस 30 दिन तक का समय लेगी इस पूरी डील की समीक्षा करने में, और अगर वो उसको अप्रूव करती है तो फिर 30 दिन के बाद लेटर ऑफ अप्रूवल भारत को दिया जाएगा और फिर उसके बाद बाकी की निगोसिएशन स्टार्ट होगी। हालांकि यूएस कांग्रेस के पूरे फैसले के लिए तो 30 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष यूएस सेनेटर बेन कार्डन की तरफ से इस डील को लेकर ये कहा गया कि इन ड्रोन्स की सेल को लेकर मेरी जो मंजूरी है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कई महीनों की चर्चा का परिणाम थी। हालांकि मुझे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए इस सेल के महत्व के बारे में पूरी तरह से पता है, लेकिन मैंने भारतीय अधिकारियों की कथित हत्या की साजिश के आलोक में प्रशासन के अधिकारियों को इस सेल के समय के बारे में लगातार अपनी चिंताओं से भी अवगत कराया है, और अमेरिका की जमीन पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का प्रयास मुझे प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार स्थिति की पूरी तरह से जांच करने और अमेरिका के न्याय विभाग की जांच में पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इस मामले में विश्वसनीय जवाबदेही हो। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं पूरी तरह से प्रशासन को इन प्रतिबद्धताओं पर कायम रखने का इरादा रखता हूँ। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि यूएस सेनेटर बेन कार्डन की तरफ से इन MQ-9 ड्रोन्स की सेल को लेकर अप्रूवल तो मिला है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसका अप्रूवल देते समय उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि वो जो पन्नू वाला मामला है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पन्नू को ढेर करने वाली साजिश में इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, तो उस आरोप की सही से जांच भी होनी चाहिए और वो उनके लिए चिंता का विषय है। और उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि उन्होंने सेल के लिए भी मंजूरी तब दी है जब इस पन्नू वाले मामले की साजिश पर उन्हें विश्वसनीय जवाबदेही देने का आश्वासन दिया गया है। बाकी यूएस सेनेटर के इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। और बाकी यूएस सेनेटर जवाबदेही की बात कर ही रहे हैं तो ये एक जवाबदेही तो उनकी भी बनती है। तो उनका जो अमेरिकी नागरिक है एयर इंडिया के फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का असैसिनेशन करने की धमकी दे रहा है, तो इसका जवाब कौन देगा? कल्याणी आर्मी ने जम्मू कश्मीर के सुरनकोट सेक्टर के जंगलों में इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन के दौरान जंगलों के हाइडआउट से वॉरलाइक स्टोर्स को रिकवर किया गया है और इस एरिया पर जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की सदर्न वेस्टर्न कमांड ने एक्सरसाइज तीव्र प्रहार को आयोजित किया है जिसमें इन्हेंस्ड कोऑर्डिनेशन के साथ इंडियन आर्मी ट्रूप्स की पीक प्रिपेयर्डनेस बैटल ड्रिल्स को रिफाइन किया गया है और कई अलग अलग कैलिबर के वेपन्स भी इस दौरान इस्तेमाल किए गए थे। और जबकि राजस्थान के सूरतगढ़ में भारत और सऊदी अरेबिया की आर्मीज के बीच सतत अनसीक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है। बाकी इस महीने 17 तारीख से जो इंडियन एयरफोर्स वायु शक्ति 2024 को आयोजित करने वाली है जिसमें एक बहुत बड़े लेवल पर इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी फ्रंटलाइन एसेट्स डिप्लॉय किए जाएंगे और इस बार पहली बार रफाल फाइटर इसमें पार्टिसिपेट करेगा और पहली बार इस तरह की एक्सरसाइज में रफाल फाइटर से माइका मिसाइल भी फायर की जाएगी। तो बता दें कि इस एक्सरसाइज को लेकर एरिया वार्निंग जारी कर दी गई है, इसके बारे में पाकिस्तान को भी सूचित कर दिया गया है और इंडिया टीवी के डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर मनीष प्रसाद के मुताबिक कि इस एक्सरसाइज के दौरान 10 से 15,000 एयर वॉरियर्स के साथ लगभग 10 से 15 एयरफोर्स बेस एक्टिवेट होंगे। बाकी एक्टिवेट से याद आया, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो लाइक बटन को क्लिक करके उसे एक्टिवेट करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट डिफेंस ई मैगजीन्स पर भी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर एक्टिवेट है जिसे आप भारत कूपन कोड का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे डिफेंस ई मैगजीन हमारी मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों ही जगह पर उपलब्ध है और डिफेंस कॉर्ड की मोबाइल एप्लीकेशन पर जिनके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो उनके लिए डिफेंस ई मैगजीन लाइफ टाइम फ्री है। तो जैसे कि तय था आज 3 फरवरी को विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इंडियन नेवी की सर्विस में पहली स्वदेशी लार्ज सर्वे वेसल जिसका नाम है संधायक, तो यह औपचारिक रूप से कमीशन हो चुकी है। और INS संधायक की कमीशनिंग सेरेमनी को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि ये शिप इंडो पैसिफिक रीजन में एक सुपर पावर के तौर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करेगी और ये हमारे मैरिटाइम इंटरेस्ट के साथ साथ हमारी फ्रेंडली कंट्रीज के मैरिटाइम इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखेगी। और जबकि पायरेसी के बढ़ते हुए इंसिडेंट्स को लेकर भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि ये नया भारत है और उसकी शपथ है कि ये मैरिटाइम पायरेसी और स्मगलिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। आगे आपको बता दें कि INS संधायक का प्राइमरी रोल है फुल स्केल हाइड्रोग्राफिक सर्वेस कंडक्ट करना, लेकिन ये शिप जरूरत पड़ने पर कई अलग अलग रेंज के नेवल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करने में सक्षम है। बाकी एक अपडेट ये भी देखने को मिला है कि चाइनीज नेवी ने चाइनीज कार्गो शिप्स को भी एस्कॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया है जो कि लाल सागर के माध्यम से होकर जा रही है। बाकी लाल सागर में जो हूती रैबल्स मर्चेंट शिप्स को निशाना बना रहे हैं और हाल ही में हूती रैबल्स के हमलों का जिस तरह से इंडियन नेवी ने तेजी से रिस्पांस दिया था तो उस रिस्पांस की जहां दुनिया भर में तारीफ हुई तो वहीं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस तरह के रेस्क्यू मिशंस में चाइनीज नेवी की जो कमी दिखी है उसको भी पॉइंट आउट किया। जैसे कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक गल्फ ऑफ अडन में जो मर्चेंट वेसल मार्लिन लुआंडा की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल दिया गया था तो उनको रेस्क्यू करने के लिए चाइनीज नेवी नहीं आई जो कि दुनिया में वर्ल्ड पावर के तौर पर कंसिडर की जाती है और उसका जिबूती में नेवल बेस भी है।
यानी कि जहां पे इंसिडेंट हुआ था उसी क्षेत्र के पास चाइनीज नेवी का बेस भी है। बावजूद इसके चाइनीज नेवी ने इस डिस्ट्रेस कॉल का कोई रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि वो इंडियन नेवी थी जिसने इस डिस्ट्रेस कॉल का बहुत तेजी से जवाब देते हुए तुरंत ही एक्शन लिया था, और इसे ही कहते हैं एक्चुअल सुपर पावर। और बाकी अब ऐसे समय पर जब बहुत सारी शिपिंग कंपनीज लाल सागर वाले रूट को अवॉइड कर रही हैं, तो ऐसे में अभी भी कुछ चाइनीज कार्गो शिप्स हैं जो कि लाल सागर वाले रूट पर ही जा रही हैं और उनको चाइनीज नेवी द्वारा एस्कॉर्ट अप किया जा रहा है। कल 2 फरवरी को शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई 25 टन के बुलाट पोल टग जिसका नाम है महाबली, तो ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई है। और आपको बता दें कि जो शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एक MSME है, तो उसने इंडियन नेवी के साथ इस तरह की 3 बुलाट पोल टग्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस बुलाट पोल टग की खास बात यह है कि वर्थिंग और अनवर्थिंग के दौरान नेवल शिप्स और सबमरीन्स को सहायता करने के साथ साथ ये लिमिटेड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखती है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एक US बेस्ड साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस फर्म जिसका नाम है साइबल, तो उसने 17 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी करी थी और इन्होंने एक मालवेयर को आइडेंटिफाई किया है जिसने इंडियन एयरफोर्स के सिस्टम्स को टारगेट करने का प्रयास किया था। हालांकि ये क्लियर नहीं किया गया कि साइबर अटैक कब हुआ था। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान एक ओपन सोर्स मालवेयर का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट करने का प्रयास किया गया था। हालांकि अच्छी बात यह कि जो हमला है ये कामयाब नहीं हो पाया और इंडियन एयरफोर्स का कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ, और इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय ऑलरेडी किए गए। बाकी इंडियन टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो साइबर अटैक था, तो इसमें कोशिश थी कि इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को Su-30 MKI फाइटर जेट्स की खरीद के नाम से फंसाया जाए। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में आम चुनाव पास आते जा रहे हैं, तो उससे पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। और इसलिए अब एक मीडिया रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें किसी सर्वे की बात की गई है, और इस सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान के सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में आती है जिसे 74% अप्रूवल रेटिंग मिली है, और जबकि सर्वे में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में रखा गया है। अगर नंबर 1 पर पाकिस्तानी आर्मी है, नंबर 2 पर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, और नंबर 3 पर पाकिस्तान की मीडिया है जिसपे सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पे जो सर्वे की बात की जा रही है, तो सर्वे पर वोटिंग देने वाले पाकिस्तानी आर्मी के एक आध लोग होंगे, तो फिर तो पाकिस्तानी आर्मी का सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन बनना तो सीधी सी बात है। और इसलिए पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत अच्छी कहावत है, जंग कभी वे जीते नहीं और इलेक्शन कभी वे हारे नहीं। पर खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही लक्ष्मण ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में आया एवलॉन्च में 19 मद्रास के 9 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स के S-400A डिफेंस सिस्टम का भारतीय नाम क्या रखा गया है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और squadin.in पे जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, और स्पेशल डिस्काउंट का स्पेशल कूपन कोड याद रहे श्री राम। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।